भारतीय संसद को लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है। संसद का कार्य कानून बनाना, बजट और व्यय की बारीकी से छानबीन करना, कार्यपालिका से सामंजस्य स्थापित कर जन सरोकार से जुड़े विषयों को सर्वोच्च प्राथमिकता देकर सामाजिक परिवर्तन को आगे बढ़ाना है। इन कार्यों को संसद में हमारे जनप्रतिनिधि पूरा करते हैं। संसदीय लोकतंत्र में जनता को अपने जनप्रतिनिधियों से बहुत ही आशाएं और आकांक्षाएं होती हैं। जनता की इन उम्मीदों को जनप्रतिनिधि अपने संवैधानिक अभिभावक यानी लोकसभा अध्यक्ष के जरिए पूरा करते हैं। लोकसभा अध्यक्ष का पद हमारे संसदीय लोकतंत्र में एक महत्वपूर्ण स्थान है। स्पीकर को संसदीय लोकतंत्र की परंपराओं का वास्तविक संरक्षक माना जाता है। जनप्रतिनिधि संसद में जनता की आवाज हैं, तो लोकसभा अध्यक्ष देश के सभी जनप्रतिनिधियों को संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों व विशेषाधिकारों का संरक्षण प्रदान करते हैं। संविधान द्वारा लोकसभा अध्यक्ष को प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों, प्रथाओं और परिपाटियों द्वारा संसदीय कार्यवाही का सुचारू संचालन एवं पद की स्वतंत्रता और निष्पक्षता की रक्षा करने हेतु पर्याप्त शक्तियां दी गई हैं। लोकसभा के मुखिया और उसके प्रमुख प्रवक्ता होने के नाते लोकसभा अध्यक्ष समस्त सदन की सामूहिक राय को भी अभिव्यक्त करते हैं। पहली लोकसभा से 17वीं लोकसभा तक 17 विभूतियां लोकसभा अध्यक्ष के पद को सुशोभित कर चुकी हैं। जीवी मावलंकर लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे और वर्तमान में ओम बिरला 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष हैं। लोकसभा कक्ष के बाहर गलियारे में देश के पहले स्पीकर जीवी मावलंकर से लेकर 14वीं लोकसभा के अध्यक्ष सोमनाथ चटर्जी तक के चित्र लगाए गए हैं। जीवी मावलंकर, जिनका कार्यकाल 15 मई 1952 से लेकर 27 फरवरी 1956 तक रहा। दूसरे अध्यक्ष एमए आयंगार का कार्यकाल 8 मार्च 1956 से लेकर 16 अप्रैल 1962 तक रहा। तीसरे अध्यक्ष सरदार हुकम सिंह का कार्यकाल 17 अप्रैल 1962 से लेकर 16 मार्च 1967 तक रहा। चौथे अध्यक्ष एन संजीव रेड्डी लोकसभा के अध्यक्ष के तौर पर 17 मार्च 1967 को चुने गए, जिनका कार्यकाल 19 जुलाई 1969 तक रहा। आप दोबारा पुनः इसी पद पर 26 मार्च 1977 को चुने गए, आपका कार्यकाल 13 जुलाई 1977 तक रहा। जीएस ढिल्लो, आपका कार्यकाल 8 अगस्त 1969 से लेकर 17 मार्च 1971 तक रहा। आप पुनः लोकसभा अध्यक्ष के पद पर निर्वाचित हुए, आपका कार्यकाल 22 मार्च 1971 से लेकर 1 दिसंबर 1975 तक रहा। बलिराम भगत, आपका कार्यकाल 15 जनवरी 1976 से लेकर 25 मार्च 1977 तक रहा। केएस हेगड़े, आपका कार्यकाल 21 जुलाई 1977 से लेकर 21 जनवरी 1980 तक रहा। बलराम जाखड़ लगातार 2 लोकसभाओं में अध्यक्ष के तौर पर चुने गए, आपका कार्यकाल इस दौरान 22 जनवरी 1980 से लेकर 18 दिसंबर 1989 तक रहा। रवि राय, आपका कार्यकाल 19 दिसंबर 1989 से लेकर 9 जुलाई 1991 तक रहा। शिवराज पाटिल, आपका कार्यकाल 10 जुलाई 1991 से लेकर 22 मई 1996 तक रहा। पी ए संगमा, आपका कार्यकाल 25 मार्च 1996 से लेकर 23 मार्च 1998 तक रहा। जीएमसी बाल योगी, आपका पहला कार्यकाल 24 मार्च 1998 से लेकर 19 अक्टूबर 1999 तक रहा। आपका दूसरा कार्यकाल 22 अक्टूबर 1999 से लेकर 3 मार्च 2002 तक रहा। मनोहर जोशी, आपका कार्यकाल 10 मई 2002 से लेकर 2 जून 2004 तक रहा। सोमनाथ चटर्जी, आपका कार्यकाल 4 जून 2004 से लेकर 31 मई 2009 तक रहा। देश की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार का कार्यकाल 4 जून 2009 से शुरू हुआ, जो
4 जून 2014 तक रहा। सुमित्रा महाजन, आपका कार्यकाल 6 जून 2014 से लेकर 17 जून 2019 तक रहा। वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला ने अपना पदभार 19 जून 2019 को संभाला, जो निरंतर है।